भाई साहब अपने बॉलीवुड को क्या हो गया? अभी कल फुल हार्डकोर एक्शन से भरा टीजर किल मूवी का टीजर निकाल दिया था, और आज रुस्लान का ट्रेलर निकाल गया है, वो भी ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें भाई एक्शन कहीं से कहीं तक कम देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब फुल एक्शन होने वाला है, मतलब बॉलीवुड अब दबा के भाई एक्शन में काम कर रहा है। रुस्लान का ट्रेलर आ गया है, चलो बात करते हैं कैसा है कैसा नहीं है, कितना प्रॉमिसिंग है, कब ये मूवी देखने को मिल जाएगी, विलेन एंगल क्या होने वाला है, स्टोरी एंगल क्या होने वाला है, एवरीथिंग सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। रुस्लान का ट्रेलर ड्रॉप आउट हो चुका है, एक आध मिनट देख लो, देन उसके बाद ट्रेलर देखने जाना। ऑसम है, दमदार है, एक्शन कहीं से कहीं तक कभी भी कमी नहीं देखने को मिलने वाली है। कहानी होने वाली है एक ऐसे बंदे की जो एक म्यूजिक टीचर है और बाद में एक अंडरकवर एजेंट बनेगा। अंडरकवर एजेंट बनने के साथ साथ वांटेड वाला सलमान खान की एक बार जरूर याद आएगी, सारे वो हीरोइक मोमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सलमान खान का इसमें बहनोई ही मेन लीड पर है। तो भाई एक्शन बॉलीवुड में आ रहा है, लेकिन उन फेस की वजह से नहीं आ रहा है जो फेस मजे मजाए थे, लाइक सलमान खान और विकी भाई, जब भी आएंगे तो एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन भाई अंडर डॉग जो भी एक्टर्स हैं वो उभर के इस तरीके से निकल जाएंगे, ये बहुत अच्छा क्लिक कर रहा है, हिट कर रहा है, और ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है। स्टोरी लाइन में थोड़ा मजा आएगा, एंड बीच की थोड़ी स्टोरी थोड़ा सा डिसकनेक्ट करके जाएगी वो, क्योंकि इसलिए क्योंकि भाई बहुत से हीरोइक मोमेंट इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जो वो बॉलीवुड का ह्यूमर होता है कि भाई आपका हीरो है तो आपका हीरो परफेक्ट होगा, और क्या कहते हैं उसके पास एक ऐसा आराम होगा, ये मतलब वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है, दसों के सामने भिड़ सकता है, सौ आदमी के बीच में भी होगा तब भी उसकी इतनी सुनी फटेगी इतनी सी। तो ये जो रियलिस्टिक का तड़का नहीं मारेंगे इस पे, ये खाएगा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेगा, लेकिन एक्शन के मामले में अगर वो क्लाइमैक्स वाला पार्ट देखें लास्ट में वो, तो भाई उसमें थोड़ा रियलिस्टिक घुसेड़ने की कोशिश करी है, लेकिन वो लिफ्ट वाला एक जो सीन डाला था एक्शन में वो थोड़ा सा हिट नहीं करके गया। मतलब भाई हलवा थोड़ी होता है भाई, किसी से भी भिड़ना लोग चार आदमी आपके सामने हैं, आपकी भी उतनी फटती है जितनी उनकी फटती है, ये तड़का जरूर डालना चाहिए। जो अभी किल मूवी का टीजर अभी कल ड्रॉप आउट हुआ है उसमें सेम देखने को मिल रहा है भाई, वो जो लक्स है, जो एक्टर है मेन लीड पर, भाई उसके चेहरे पर वो सीरियसनेस है, वो डर भी है कि भाई अगर मैं मर गया तो क्या होगा, तो ये चीज़ भाई रियलिस्टिक का तड़का जरूर डालना चाहिए। बाकी एक्शन की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। एक्टर्स एंड कास्ट की बात करें तो जगपति बाबू देखने को मिल रहे हैं हैवी रोल में, इंस्पेक्टर का रोल है उनका, कमिश्नर वगैरह का। देन उसके बाद भाई सुनील शेट्टी साहब भी देखने को मिल रहे हैं। विलेन का एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही बंदे एक बार के लिए नेगेटिव रोल में आ जाते हैं और एक बार के लिए पॉजिटिव रोल में आ जाते हैं। तो बाप बेटी की कहानी देखने को मिल रही है, एक ऐसी अनसुलझी कहानी जिसमें वो एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन बाप क्या है भाई साहब, वो फुल यूनिफॉर्म में उतर के आता है, लेकिन ये बंदा जो अपना रुस्लान है, जो अपना मेन हीरो है, वो उभर के नहीं आ रहा है सामने, तो अंडरकवर एजेंट बनेगा और ये अपनी पहचान छुपा रहा है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, जो सस्पेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विलेन कौन हो सकता है। हु नोज कि जगपति बाबू विलेन का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम होता है भाई बाप बेटे में वो अनबन अंतरार ऐसी चीजें, तो ये वाला अगर एंगल हो गया तो स्टोरी लाइन में फिर मजा आ जाएगा भाई साहब। सुनील शेट्टी भी अगर नेगेटिव रोल में देखने को मिल गया तब भी मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब वो नेगेटिव रोल तो दमदार करते ही करते हैं। तो भाई ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, जाओ देखो मजा लो, एंड एक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली है। 26th ऑफ अप्रैल को ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, देन उसके बाद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।